मैं हूं आपका मेजबान यासर अब्बासी। आज हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ओहदे से मुस्तफा हो गए। अगर पार्टी ने राहें जुदा कर ली तो घर जाना पसंद करूंगा। नवाज शरीफ पर 3 साल कब्र वाजिया कर दिया गया था कि अगर मरियम नवाज को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। साबका वजीर आजम की गुफ्तगू। साबका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्तफा हो गए। अंग्रेजी रोजनामा दी न्यूज के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वाजिया कर दिया था, अगर मरियम को पार्टी से सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। जब से मरियम लंदन से आई और उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, मुझे खुशी है इनकी सर्जरी कामयाब रही और मेरी दुआएं हैं उनके साथ। उन्होंने कहा, किसी मुतवक्का पार्टी ने राय जुदा कर ली तो घर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं हद से ज्यादा पुरअज़म और सियासी कारकुन नहीं हूँ। मेरा रीइमेज पाकिस्तान की फर्म किसी शख्सियत या पार्टी के खिलाफ नहीं है। अवाम की एक बड़ी तादाद और फर्म में शिरकत करते हुए उसकी सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो पूरी एमजी पाकिस्तान फोरम के साथ तामन करें। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग मुल्क की सूरत हाल पर पुरसकून अंदाज से समझने की कोशिश करें और मसाइल हल कर रास्ता तलाश करें। साबका वज़ीर आज़म इस तासर की नफी की और वहाँ किसी भी जर्नैल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लाइन नहीं कर रहे थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ को लंदन में तजवीज दी थी कि अगर जनरल बाजवा को तोसी देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो उससे बेहतर होगा कि हुकूमत छोड़ दी जाए। यहाँ कबल जिक्र बात यह है कि साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कई बार मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से गुरेज कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने डॉन न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने पार्टी के लिए काम किया है, जैसे वर्कर वैसे वोटर ही समझता हूँ। मरियम नवाज यकीनन पार्टी ऑर्गेनाइजर कर लेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल किया गया कि आप मरियम नवाज को लीडर मानते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूं, उसके बाद शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के सदर हैं। इसके अलावा मैं किसी की लीडरशिप पर हाँ या ना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। मैं आजाद आदमी हूं, सियासत करना आप पर लाजम नहीं। कोई भी आपसे जबरदस्ती सियासत करवा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी के PRO हाफिज उस्मान, जो शाहिद खाकान अब्बासी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ना ही तो मुस्लिम लीग नून छोड़ी बल्कि ना ही पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया, बल्कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मियां नवाज शरीफ हमारा कायद है और शहबाज शरीफ हमारा कायद है और हम पार्टी के शाना बशाना पार्टी के साथ चलेंगे। और जो लोग ये बातें झूठी बातें और मनगढ़ंत बातें ला रहे हैं, हम उनकी मुकम्मल तरदीद करते हैं, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी के सेक्रेटरी हाफिज उस्मान ने इसकी तरदीद कर दी है। और हाफिज उस्मान का ये कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ना ही तो मुस्लिम लीग नून छोड़ी, ना ही ओहदे से इस्तीफा दिया, बल्कि हमारा जीना मरना मुस्लिम लीग नून और कायद नवाज शरीफ के साथ है। यासर अब्बासी, कैमरामैन नियाज के साथ, रावलपिंडी।